हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड, चाहे आपको अपना बिजली का बिल पे करना हो, मोबाइल का रिचार्ज करना हो, किसी दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर करना हो या फिर अपना बैंक बैलेंस चेक करना हो, ये सभी काम आप अपने मोबाइल की नेट बैंकिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन में पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग बना सकते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको सिर्फ वही करना है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है PNB1। तो गाइज, ये है पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करना है। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग चल रही है। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि और लोग भी बहुत कुछ नया सीख सकें। और यार, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब आपको यहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पर आपको बहुत सारी परमिशन देनी होगी। अलाउ PNB1 टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल्स आपको अलाउ करना है, और जितनी भी परमिशन यहां पर मांगता है आपको अलाउ करते जाना है। अब यहां पर फ्रेंड्स, आपने अगर पहले कभी यूज़र आईडी बनाया है तो यहां पर आपको यूज़र आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप सिंपली साइन इन या लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक नई आईडी बनाने वाला हूं, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा न्यू यूज़र पर। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। अब अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ नीचे मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, इस पर टिक करना है। उसके बाद नीचे व्यू एंड ट्रांजेक्शन, इस पर भी टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। जैसे कि OTP आ चुका है, वो आपको यहाँ पर सेम फिल कर देना है। OTP डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपने ATM की यानी कि डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ATM कार्ड नंबर डाल देना है। कार्ड नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ATM पिन में अपना ATM का पिन डाल देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको दो अलग अलग पासवर्ड बनाने पड़ेंगे, जो कि आपका साइन इन का पासवर्ड आपको अलग से बनाना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे उनका पासवर्ड आपका अलग रहेगा। तो यहाँ पर मेरा यह सजेशन है कि आप दोनों ही पासवर्ड सेम रखें, साइन इन का पासवर्ड भी और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड भी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बाद में कि आपका साइन इन का पासवर्ड कौन सा था और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड कौन सा था। तो यहाँ पर मेरा आपसे सजेशन है कि आपको साइन इन और ट्रांजैक्शन का पासवर्ड सेम ही रखना है। अब फ्रेंड्स, आपको पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है, यह देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू पासवर्ड पॉलिसी, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपको पासवर्ड किस तरीके से सेट करना है। मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 28 करेक्टर्स विदाउट स्पेस, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 करेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कोई भी स्पेस ना हो। अब यहाँ सेकेंड नंबर पर आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फानुमेरिक एंड स्पेशल करेक्टर्स, यानी कि आप जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। थर्ड नंबर पर दिया गया है कैश सेंसिटिव। फोर्थ नंबर पर आप देख सकते हैं कैन नॉट बी कैप्ट सेम एज प्रीवियस 3 पासवर्ड्स, यानी कि आप अगर पहले भी पासवर्ड सेट कर चुके हैं तो आपके पिछले 3 पासवर्ड के जैसा आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए, आपको कुछ यूनिक ही क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 5, शुड नॉट कंटेन ऑल करेक्टर ऑफ यूज़र आईडी, यानी कि जो भी आपकी यूज़र आईडी रहेगी आपको अपना पासवर्ड उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पासवर्ड की पॉलिसी, आपको इस तरीके से अपना पासवर्ड सेट करना है। अब यहाँ पर आप ओके करेंगे और उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अपने पासवर्ड फिल कर लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सक्सेसफुली एक नोटिस मिल जाएगा, उसी के साथ आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। तो गाइज, इस तरीके से आप अपनी नेट बैंकिंग इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी फिल करनी है और उसके बाद आप यहाँ इजीली साइन इन कर सकते हैं।
तो गाइस इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपने पंजाब नेशनल बैंक की नेट बैंकिंग को स्टार्ट कर सके। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।